अपने हम तो गाले थे धन मन धन धन शरीर मन जो बंदर है धन जिसके लिए हम खाते भी नहीं पीते भी नहीं सोते भी नहीं धन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। अच्छी बात, ये सब भगवान का है। मैं भी भगवान का हूं तो मेरा जो है मुझे जो बिलोंग करता है सब भगवान का अल्टीमेट हो जाता है। मगर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। और मंदिर वाला बोर्ड किया, कोई भक्त लोग एकत्रित होके बोले कि भाई अभी 2 मिलियन चाहिए, तो अभी तो ये है अभी तो वो है अभी तो मार्केट में ये है अभी तो ये है। जब व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है फिर उसके मन में भाव जागता है कि अभी मेरा नाम, फिर वो पैसा नाम के लिए लगाता है कि मुझे कोई जानता नहीं, मैं इतना अमीर हूं मुझे कोई जानता नहीं, तो अपनी पहचान बनाने के लिए वो पैसा मार्केट में लगाता है या तो इन्वेस्ट करता है तो वॉट एवर उड़ाता है। पैसा भी बढ़ गया मान भी बढ़ गया, फिर उनको तीसरी अवस्था में क्या चाहिए? खूब पैसा खूब सम्मान, जहां भी जाओ उनकी वाह वाह बोलती है, फिर उसको चाहिए शांति। फिर उसको कहां से शांति मिले कहां से शांति मिले, वो भागता फिरेगा ढूंढता फिरेगा। तो कदम में बात आरत के सर झुकते हैं सहनशाही। एक फकीर एक साधु होता है एक संत होता है, लखुटी बांध के अपनी झुपड़ी में कुटिया में बैठा होता है और उसके चरणों में बड़े बड़े माले तुजार सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शांति नामक खजाना प्रचुर है। वो अपने हृदय में शांति का बड़ा सा खजाना लेके बैठता है, बैठा है इसलिए वहां जाता है। और व्यक्ति एक बार धनवान बनता है यशस्वी बनता है कीर्तिवान बनता है, फिर उसको शांति चाहिए और शांति के लिए फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, जो भी पाया है उसको त्याग कर। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आज तो बिलियन ट्रिलियन में लोग दान करते हैं, तो उनसे क्या होता है? नाम से तो वो लोग बहुत परे हैं, उनको दान करने से नाम बढ़ता है ऐसा नहीं है, नाम तो उनका है ही विश्व में, मगर उनको शांति चाहिए और शांति निरंतर त्याग में। त्याग यानी छोड़ देना वैराग्य। मगर हम भी छोड़ते हैं कि आपको फिल्म नहीं देखना है, मगर कब वो मोतिया बब्बे वक्त पाकी जाए, कैटरेस्ट बब्बे वक्त ऑपरेशन दे जाए, पची डॉक्टर ना पाड़े कि हवे मोतियो नहीं उतरे, चुक गए कि अभी मोतिया का खत्म हो गया, तब बोले गए महाराज जी हवे फिल्म जो है बंद कर चालू रख ले। वैराग्य की भाषा सुझे, जब अति प्रिय हो त्याग करो। जे तब ना कर गए आप कुछ कह दी अरे भाव एट हूँ मनस गांडो थी जाए, शिखंड जो एटले मैट थी जाए, तो इस शिखंड को छोड़ो। हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं खाते हैं जो हमारे जीवन में कभी आता नहीं है ऐसी चीजों का हम संकल्प लेते हैं, आज से हम भिंडा नहीं खाएंगे। अब भिंडा तू कभी खाता ही नहीं तो फिर संकल्प क्यों करता है? ऐसी बात सुनकर एक भक्त को लगा कि मुझे जो प्रिय है उसी का त्याग करना है, तो कथा पूरी हुई तुरंत सामने पानी लेके आ गया, महाराज मुझे श्रीखंड बहुत अच्छा लगता है आज से मैं श्रीखंड का त्याग करता हूं। बहुत अच्छी बात। आधा घंटा हुआ साफ सफाई हॉल हुआ, मंदिर के ही हॉल में भोजन समारंभ था, कथा के बाद यजमान बड़ा तगड़ा था तो उन्होंने श्रीखंडपुरी का आयोजन किया। ये भी संकल्प लिया और श्रीखंड आया सामने, उसको गुजराती में आखड़ी कहते, संकल्प बाधा आखड़ी, आखड़ी बोले बाधा रख देना। तो आधे घंटे में सामने श्रीखंड आ गया, तो बोले क्या करे, तो श्रीखंड को नहीं छोड़ना चाहिए, तो बोले आधे घंटे मेरे संकल्प लिया तो उसको भी नहीं छोड़ना है, बीच वाला रास्ता निकाला। ये गुजराती बंदा था, तो के आखड़ी रे आखड़ी तू मारी माँ, बाधा नहीं गई, आखड़ी रे आखड़ी तू मारी माँ,
શિખર પરથી ઉતરીને કેરીના રસ ઉપર જા, એટલે બાધાને ટ્રાન્સફર કરી. બાધા કો ટ્રાન્સફર કર દિયા, ભાઈ અભી બે શિખર ખા સકતા હું, મગર આમ રસ નહીં ખા સકતા હું. શાદી કા સીઝન થા, 2 સાલ કા શાદી કા સબ પ્રોગ્રામ પેન્ડિંગ થા, તો શાદિયા બહોત નિકલી, તો ઇન્ડિયા સે આફૂસ કા રસ મગાયા. અગલે રવિવાર જહાં મેં શાદી મેં ગયા તો વહાં આમરસ આયા, તો બોલે કાફી દિનો કે બાદ આમરસ આયા સામને, 3 સાલ સે કુછ ખાયા નહીં થા, આમરસ કો કેસે છોડો, એને શોર્ટકટ આવડી ગયો હતો, ઉસકો વો આ ગયા થા કે આખડી રે આખડી તું મારી માં, હવે રસ ને છોડીને ગુલાબ જામુ ઉપર જા. પ્રેમથી રસ ખાધો, ત્યાં એની ઘરે મહેમાન આવ્યા, ગુલાબ જામુ ના 2 ડબ્બા લઈને આવ્યા, ડબ્બા દઈને ગયા, એટલે હાજેની પત્ની ને કે મારે તો ગુલાબ જામુ ની બાધા છે, આકડી છે, તો કે હવે આકડી બાકડી લેવા દે, તો કે નહીં મને આવડે છે, તો કે આકડી રે આકડી તું મારી માં, ગુલાબ જાંબુ ઉપરથી ઉતરીને ઉંધિયા પર જા. ત્યાં અઠવાડિયા પછી પટેલમાં લગ્ન હતા, ત્યાં અમે ઉંધિયો જીવનભર આખડીને આમથી આમ ફેરવા કરે, આ મનની આ ત્યાગનો કહેવાય, આનું નામ વૈરાગ્યનો કહેવાય. સમય પર છોડી દેવું, કોઈ છોડાવે અને છોડવું, આ બંનેમાં બહુ ફેર છે. આપણને કોઈ છોડાવી દે એ ત્યાગ નથી, પણ આપણે છોડી દઈએ એ ત્યાગ છે. ભરતોરીને માત્ર વિચાર આવ્યો અને આખું રાજ્ય સમ્રાટ ભરતે છોડી દીધું, પણ કેવું છોડ્યું કે રહુગણ રાજાએ એની પાસે પાલખી ઉપડાવી, છતાં એને બોલ્યો ને કે હું રાજા છું. એને જ્ઞાન આપવા માટે કીધું કે હે રાજા, એ જાડા અને પાતળા થવું એ શરીરના ધર્મો છે, તું આમાંથી નીકળી જા. તો ત્યાગાન શાંતિ નિરંતરમ, જેટલો જેટલો પરિગ્રહ કરવામાં આવશે એટલું દુઃખ ઉત્પન્ન થશે. જરૂરી સંસાર માટે બધું જ જરૂરી છે, પણ એમાં જે મોહ જાગી જાય છે કે એ ચમડી છૂટે પણ દમડી ન છૂટે, એટ એની કોસ્ટ વાળો જે કન્સેપ્ટ છે, અત્યારે આ જમાનામાં સંસારી માણસોએ ત્યાગ કરીને કેમ જીવું? કારણ કે ધર્મસ્ય મૂલમ અર્થ, કિતના યદિ આપકો ધર્મ કરના હૈ તો અર્થ ચાહિયે, ચાહિયે ઓર ચાહિયે, યહાં મંદિર મેં આના હૈ તો એસે કૈસે આ સકતે. ધર્મ કા મૂલ ઇસ સંસાર મેં કલિકાલ મેં અર્થ હૈ, ભાવના સે નહીં હોતા હૈ, મગર અર્થ સે હી સબ કુછ હો જાતા હૈ, વો ભી ગલત હૈ. ભાવ પ્રિયો માધવ, તો ત્યાગા શાંતિ નિરંતરમ, 13 અને 14 શ્લોક. અધ્યેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્ર કરુણ એવ ચ, નિર્મમો નિરહંકાર સમ દુઃખ સુખ ક્ષમી, સંતુષ્ટ સતતમ યોગી યતાત્મા દૃઢ નિશ્ચય, મય્યર્પિત મનોબુદ્ધ્યો મદ ભક્ત સમી પ્રિય. બહુ સરસ આ શ્લોક, બહુ બઢિયા હૈ. અદ્વેષ્ટા, સભી ભૂતો મેં દ્વેષ વગર કા ભાવ રખે, કિસી કે પ્રતિ દ્વેષ નહીં, સબકો દેખે, સકળ લોક માં સૌને વંદે અને નિંદા ન કરે કે નીરે, સકળ લોક માં સૌને વંદે અને નિંદા ન કરે કે નીરે, વાચ કાચ મન નિર્મળ રાખે, ધન ધન જનની તે નીરે. વાચને કાચ, વાચા અને કાયાને પવિત્ર રાખે અને મનને નિર્મળ રાખે. અહીંયા સર્વભૂતો કે પ્રતિ સમભાવ રખના, સ્વાર્થ કે વગર સબકો પ્રેમ કરના. હમ પ્રેમ કરતે હમારે મતલબ સે કરતે, જો હમારે જાણતે હોતે, હમારે પહેચાન વાલે હોતે, યા તો કોઈ ટચ હોતા હૈ તો ઉસકો અચ્છે ભાવ સે બુલા લેતે, કુછ ના કુછ ઉસકે લિયે કર દેતે, મગર સ્વાર્થ કે બિના. હમારા સ્વાર્થ હોતા હૈ કલ હમકો ઉપરત કરેગા,
यहां कोई मदद की अपेक्षा नहीं, सर्वार्थ बिना स्वार्थ के बिना सभी के प्रति एक समान प्रेम प्रकट करना, हेतु बगैर दया भाव रखना, और जो व्यक्ति ममत्व बगैर का है, इस संसार में अंतिम अवस्था में ममता बहुत परेशान करती है। शुरुआत की अवस्था में ममत्व नहीं होता है, छोड़ देता है, किसी को भी छोड़ देता है, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र होती है तो उसके ऊपर ममता हावी हो जाती है। अब लोग गुजराती एक भजन छे कि हे जी ममता मरे नहीं एनु मारे केम करू, अंतिम अवस्था आवे त्यारे ममता एनु छोड़ती नहीं। एनु उदाहरण ले वो ममता नु तो मरती वक्ते पड़ने के पूछवामां आवे काल दंड के ही काहू न मारा, मौत आवे ने ते चार वस्तु ब्लॉक करना की। तुलसी लगी के काल दंड के ही काहू न मारा, करहु धर्म बल बुद्धि विचारा, धर्म बल बुद्धि ने विचार जरा नष्ट पावे त्यारे व्यक्ति मरे। तो एक बुजुर्ग वडिल बहुत ही अपने जमाने के पैसे वाले, बहुत पैसा कमाया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे अंतिम समय में अपने देश जाना है, भारत जाना है। सब लोग गए, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जैसे नजदीक समय आया बापा का मुंह बंद हो गया, बोल नहीं सकते, यहां खटिया पड़ी है, सामने गाय भैंस वगैरह बांधी हुई है, और पत्नी पुत्र परिवार सब अगल बगल में, चार भाई के अगल बगल में, और वो बोलने का प्रयास करते हैं मगर उनसे बोला नहीं जाता है। तो किसी ने कहा कि वो बड़े पुराने खिलाड़ी है, कुछ गुप्त रखा होगा, तो वो कहना चाहते हैं, आप ऐसा करो कुछ डॉक्टर वॉक्टर को बुलाओ और करो ट्रीटमेंट करो, 10 मिनट बोल जाए, कुछ लॉकर नंबर दे दे, कुछ इधर उधर गाड़ा होगा। तो डॉक्टर को बुलाए, तो डॉक्टर बोले कि बोल सकता है मगर 10 लाख का इंजेक्शन लगेगा। अरे तारी 2 मिनट बोलना, तो 2 मिनट बोल पाएगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, और बार बाद में बोला रहा तो और 10 लाख का लगाना पड़ेगा। ये बोलने की कीमत देखो, तो जब बंद होता है तब पता चलता है किसी भी चीज की कीमत इसकी उपस्थिति में नहीं होती है, अनुपस्थिति में उस चीज की कद्र और कीमत होती है। तो बच्चे लोग ने सोचा कि भाई कोई बड़ा दल्ला चला जाएगा, चलो लगाओ बापा को, और बापा को 10 लाख का इंजेक्शन लगाया, और बापा गुजराती में बोला कि क्या न कहू छू क्या डोबू सावरणी चावेश। वो भैंस का बच्चा झाड़ू को खा रहा था, तो ये 10 रुपए का झाड़ू बिगड़ जाएगा, अबे तू शांति थी मरी जा, तरु ध्यान डोबा मा तरु ध्यान झाड़ू मा, अनु नाम ममता साई सर। पोते पोताना माटे करे वांदो नहीं, पोताना दीकरा माटे करे चालो, पर दीकरा का दीकरा यानी कि लड़के का लड़का, पुत्र माटे बधाने करवू जोईए, कारण के आपणा बापाए आपणे के काफी गया, चलो भाई आपणे आपी जाओ, પણ એના છોકરા માટે અને એના છોકરા માટે સાહેબ આ તો સીધું ગાંડ પણ છે। ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે। મમતા નહીં રખની હૈ ઓર અહંકાર વગર કા ભક્ત કિસકો કહેતે સર્વ ભૂતો મેં સમભાવ રખે સ્વાર્થ વગર સબકો પ્રેમ કરે हेतु बगैर दया भाव रखे ममत्व किसी भी चीज पे न रखे। ये मेरा है, ये मेरा है ना, वही माया है, वही ममत्व है। जनक महाराज को एक योगी आए, उन्होंने पूछा कि महाराज भगवान ने कहा कि देवी एषां गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया को तैरना बहुत मुश्किल है, तो ये माया क्या है, आप मुझे माया समझाए। तो महाराज ने बोला समझाओ या बताओ, तो बोले बता सकते तो बहुत बढ़िया, तो
तो शपथ देवे इजी रहेगा। कोई अपन ने भक्ति योग से भक्ति योग बताओगे बात करोगे तो बता सकते हैं, तो किसी को सुनता नहीं है ना, देख लिया बात खत्म हो गई। महाराज जनक ने कहा कि महाराज जी आपको देखना है सुनना है, तो महाराज जी आप दिखा सकते हैं तो सुनने में रस नहीं है, तो क्या रुक जाओ। महाराज जी की आत्ता स्वागता सम्मान मजा करा दिया बराबर। महाराज जी तो 10-20 किलो बढ़ गए, मगर जनक महाराज माया दिखाते नहीं। एक दिन ग्रीष्म ऋतु भयंकर ताप पड़ रहा था, चलो महाराज जी स्नान करने जाते हैं तालाब में। महाराज जी और जनक महाराज स्नान के लिए गए, नहा रहे थे, इसमें दौड़ता दौड़ता एक दूर से सेवक आया, रो रहा था। महाराज जी गजब हो गया, तो बोले क्या हो गया। महाराज जी आपका महल में आग लग गई, वो जल गया, सलक गया, भस्मीभूत हो गया, भड़बड़ जल रहा है। जैसे इस सेवक ने कहा कि महाराज आपके महल में आपके पैलेस में आग